पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित समारोह के दौरान पंजाब पुलिस में 1205 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के दौरान पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि गृह मामलों के सचिव गुरुकिरत कृपाल सिंह ने सभी का धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव KAP सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव VK सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव रवि भक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं से देश के शहीदों के सपने साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज महान शहीद करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस है, जिन्होंने देश के लिए छोटी उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, इसलिए हम सभी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। अज दे इस भागां वाले दिन ते जिन्ने भी मुंडे कुड़ियां पंजाब पुलिस के परिवार के भी शामिल हो रहे हैं, मैं उन्होंने उन्होंने परिवारों नूं उन्होंने रिश्तेदारों नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना, बधाइयां दिना। सारे नूं मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। अज खास कर असी सद्दा दिता देश की राजनीति नूं एक नवीं दिशा देण वाले ते रोजगार की, बिजली की, पानी की, स्कूलां की, हस्पतालां की गल करन वाले। नहीं तो पहला मुद्दे है ही नहीं सी, ये धर्म दे नां ते राजनीति चलदी सी। सो अरविंद केजरीवाल साहब कि तुसी आओ, आके देखो किवें पंजाब दे विच जिहड़ा रंगला पंजाब बनाउण दा आपां सुपना लिया सी, जदों असीं कंपेन करदे सी इत्थे जगह जगह पिंड पिंड जांदे सी तां असीं गरंटियां दिंदे सी बिजली मुफ्त करन दी, खेतां दी बिजली दी, और जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दी, खास तौर ते सब तों वध रोजगार दी गरंटी दिंदे सी। अज 1205 जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां भर्ती हुए ने, टोटल 1700 है, क्योंकि बाकी 4 जिलों के कोड लगे हुआ है, इलैक्शन कोड लगे, बाई इलैक्शन अगले हफ्ते कोड हट जूगा तो उन्होंने भी मिल जू। मतलब अज वाला जिहड़ा जे आप फिगर पा लीए तो 48,000 तो उपर नौकरियां सरकारी हो गई ने 2.5 साल, और कोई भी तुहाडे चों ये कह दे उठ के कि 1 रुपया भी रिश्वत का किसी दिन लग्या होवे, जा किसी की सिफारिश पौनी पई होवे, जा मैं तां रह गया यार मेरे बापू नूं MLA नहीं जानदा जा मंत्री नहीं जानदा, वो दूजा मेरी थां ते नौकरी लै गया क्योंकि उहदा जिहड़ा बापू है जां उहदा चाचा है जां उहदा कोई रिश्तेदार है वो किसी मंत्री नूं जानदा। सो बिल्कुल जिस तरह किया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि नीट एंड क्लीन भर्ती हुई है। हुण मैं तुहाडे तों भी नीट एंड क्लीन ड्यूटी की उम्मीद करूँगा, क्योंकि जदों असी तुहानूं इत्थों बिना कोई सिफारिश जां बिना पैसे लए भेज रहे हाँ तां जदों तुसीं अपने काम ते जाओगे उत्थे भी बिना किसी सिफारिश जां बिना किसी पैसे लए काम करना तुसीं, इह मैं उम्मीद रखूँगा तुहाडे तों। अज 16 नवंबर है, अज शहीद करतार सिंह सराभा जी का शहीदी दिन है। 19 साल की उम्र च शहीदी दी सी, ओह उस वेले उस जमाने च बर्कले यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया च पायलट का कोर्स करन गए सी, गदरी बाबयां दी दे नाल मेल होया उत्थे कैलीफोर्निया। 19 साल की उम्र च फांसी हुई ते उन्होंने आपां नूं देश लैके दित्ता है। ते अज दा दिन खास तौर ते तुहाडे लई कि तुसीं अज दे दिन एक आजाद देश दे विच एक सरकारी नौकरी ते अपॉइंट होण जा रहे हो तां शहीदां नूं भी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि साडियां जिहड़ियां कुरबानियां ने उन्हां नूं याद भी करदे आ लोक, ते साडे जिहड़े सुपने सी उन्हां दी आजादी नूं कायम भी रखदे आ। सो अज दा दिन अपने लई डबल इस गल लई मानता होगी कि अज शहीद करतार सिंह सराभा जी दा जिहड़ा ओह शहीदी दिवस। बाकी एक ये तुहाडी पहली नौकरी नहीं हैगी ना ही आखरी है, हुण तुहानूं एक मौका मिल गया सिस्टम च आ गए, तुसीं होर कंपीटीशन दीआं किताबां पढ़ो,
होर नंबर लो। मैं बहुत बारी जदों नियुक्ति पत्र देन आया तो मैनू कई बार पता लग्या कि कई अजे मुंडे कुड़ियां भी सी जिन्हां दी इक्को साल च तीजी तीजी नौकरी है, चौथी चौथी नौकरी है, क्योंकि कंपीटीशन दे एग्जाम दे दो नंबर आ जाणगे तां तुसीं सिलेक्ट हो जाओगे। सो बाकी जिस तरह DGP साहब ने कहा सी पंजाब पुलिस नूं बिल्कुल अपडेट रखना चाहुंदे हां क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बड़े चैलेंजेस ने, तो नफरी जिहड़ी है वह बधाउणा बधाउणी है, क्योंकि 2000 सन 2000 दे विच भी 80,000 सी, अज 2024 हो गया, अज भी 80,000 है। तो नवीं पोस्टां क्रिएट करांगे, 10,000 तो ज़्यादा नवीं पोस्टां क्रिएट करांगे ताकि इहनूं फिर 1,00,000-1,25,000 तक अगे लैके जा सकदे। SSF एक नवीं पुलिस बनाई जो देश दे विच पहली पुलिस है। अरविंद जी SSF दी वजह करके फरवरी च असीं उहनूं लॉन्च कीता सी, अज 8 महीनों बाद साढ़े कोल रिपोर्ट है कि 8 महीनों च SSF करके सड़कों के उत्ते 45% मौत घट गई जी, 45% मौत की गिनती घट गई, क्योंकि वो सड़कों पर फिरते हैं, उन्होंने कोल फस्ट एड का समान है, नाल दी नाल कोई लै जाते हस्पताल चक के, जो जो कोई गड्डी खराब हो जाए तो उन्होंने परां करते, ताकि पहला पक्ष सुनते होंगे सी कि खड़े ट्रक के बिच गड्डी वज्जी पूरे का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता सी। सो साडी कोशिश यही है कि लोगों के जान माल की राखी भी करिए, रोज़गार भी देिए, और एक मेरी हुण बेनती है कि जदों भी कोशिश साडी यही होगी कि तुहाडे घरां दे नेड़े तेड़ी जिहड़े कुड़ियां ने उन्हां दे पेके या सहुरां दे नेड़े तेड़ी उन्हां दीआं ड्यूटियां लगन, पर जे इधर उधर थोड़ा जिहा ड्यूटी लग भी गई बदली वाली अर्जी थोड़ा जिहा लेट कर लिओ अजे है ना, भी बदली करा लिए घर दे नेड़े चल जाइए, है ना, कोई गल नहीं, ड्यूटी इज़ ब्यूटी। तो मैनूं तुहाडे ते बहुत माण है, और फ्यूचर दे विच तुसीं वड्डे तरक्कियां भी करनियां कि होर। सो मैं तो यही कहूँगा कि अपना अपने अंदर अपना पछाणो, जिहड़ा बंदा तुहाडे कोल काम लैण आऊगा वह पहला गुरुद्वारा साहब या मंदिर जाके आऊगा, अरदास ही करके आऊगा कोई चंगा रब का बंदा बैठा हो कुर्सी ते मेरा काम हो जाए अज, तो जे तुसीं उहनूं झिड़क के मोड़ता कि बाबा रोज़ ही मूँह चक्की आना तो तेरा काम नहीं हो सकता, तो समझ लो रब की दुआ मोड़ती तुसी। तो जे तुसी उहदा काम करता भी पहला पानी पीओ चाह पीओ, बाबा जी कोई गल नहीं है दो कागज घट ने मैं पूरे करा लैंना, तो फिर वह जाके फिर गुरुद्वारा साहब जाऊगा, परमात्मा इस मुंडे के परिवार को तंदुरुस्त रखी, तेरे ही रूप सी जिहड़े साहब ने इन्हें मैनू अज जिहड़ा मेरा काम किया। सो दुआवां की कोई कीमत किसी करंसी च नहीं होंदी, वह तुसी लैनी है। बाकी आंडे की किस्मत च टुटना लिखा हुंदा है, आंडे ने टुटने टुटना हुंदा है, पर जे आंडा बाहरली फोर्स ना टुटदा है तो वो अंदरली जिंदगी खत्म हो जाती है, पर जो ही आंडा अंदरली फोर्स ना टुटदा है तो जिंदगी शुरू हो जाती है। सो अपने आप तुसी अपने आप नूं पछाणो, अपनी अहमियत बनाओ दफ्तर दे विच, इमानदारी नाल काम करो और देश की सेवा करो, ताकि याद कर लोग कोई आए सी यार कोई मुंडा चाहे कांस्टेबल है वह छोटा बड़ा नहीं हुंदा, चाहे सब इंस्पैक्टर है, पर इलाके च गल होवे जदों कितें उहदी बदली होवे जां कितें उह जावे यार एक मुंडा आया सी उहने यार अपने इलाके च बड़ा जिवें नशियां दा जां उह आ जिहड़ा क्रिमिनल दा चलदा है इहनूं तुसीं इक चैलेंज मन के काम करना, और पंजाब सरकार दे परिवार दे विच एक बार फिर मैं तुहाडा स्वागत करदा, बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी पार्टी ने पंजाब में सत्ता संभाली थी तब यहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी क्योंकि यहां गैंगस्टर और समाज विरोधी तत्वों का दबदबा था। उन्होंने बताया कि आप सरकार के सख्त प्रयासों के कारण अब पंजाब में देश भर में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस में भर्ती हुए 1,746 नए कांस्टेबलों में से आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1,205 उम्मीदवारों को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब, यहाँ पे आए हुए सभी ऑफिसर्स, और आज जो युवा हमारी पुलिस फोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं
पंजाब सरकार को और भगवंत मान साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इतने अच्छे मौके पे मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इस इवेंट में साझा होने का मौका दिया। युवाओं के चेहरे पे जब खुशी देखते हैं तो अंदर से हमें भी खुशी होती है, और मैं देख रहा हूँ कि जिन जिन लोगों की आज पुलिस फोर्स में भर्ती हो रही है वो बहुत खुश हैं, उनके अभी विचार भी हम लोगों ने सुने। आप सब लोगों को मैं दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो लोग आज कुछ लोगों को अभी हमने नियुक्ति पत्र दिए, बाकी लोगों को इसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो जो जो लोग आज पंजाब फोर्स में भर्ती हो रहे हैं आप सब लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि आज अभी 1205 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस राउंड में टोटल 1746 लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को कुछ दिन के बाद दिए जाएंगे, जहां चुनाव चल रहे हैं उनको कुछ दिन के बाद दिए जाएंगे। अभी तक 8705 लोगों को, ढाई साल में जब से हमारी सरकार बनी है तब से 8705 लोगों को पंजाब पुलिस में भर्ती दी जा चुकी है। मैं हमारी सरकार है पंजाब में इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सच है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे सेलिब्रेटेड पुलिस फोर्स है। और आप लोगों को खुश होना चाहिए, अपने आप को बधाई देना चाहिए कि आप लोग इतनी शानदार पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको अपने कामों से, अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से, जब समाज में आप जाएंगे काम करेंगे तो आप लोगों को पंजाब पुलिस का जो रुतबा है और पंजाब पुलिस की जो इज्जत है दुनिया भर में, देश भर में, उसको और चार चांद लगाने हैं। कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि पंजाब पुलिस की साख को थोड़ी सी भी आंच आए। आप लोगों को अच्छे काम से, ईमानदारी से काम करना है ताकि पंजाब पुलिस की साख और चार गुना बढ़े आपके ज्वाइन करने से। मैंने अभी कुछ लोगों के वो भी सुने जो उन्होंने बयान दिए। मुझे बेहद खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है ढाई साल में 48,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है अलग अलग महकमों में, लेकिन किसी को भी एक नए पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी को भी सिफारिश नहीं करनी पड़ी। मेरे को याद है 2022 में जब हम चुनाव लड़े थे उसके जस्ट पहले एक स्कैंडल हुआ था, बड़ा शोर मचा था कि फलाने फलाने मंत्री के फलाने फलाने रिश्तेदार को सिफारिश से नौकरी मिल गई। हमारी पूरी ढाई साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि फलाना फलाना आदमी है जो कि फलाने फलाने मंत्री का या अफसर का रिश्तेदार थे इस वजह से उसको नौकरी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्रियों के और उनके लोग अगर कोई काबिल है और इस प्रोसेस से निकल सकता है तो निकले, लेकिन किसी को भी सिफारिश से और रिश्वत से एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है, इस बात का हम लोगों को फक्र है। और यही एक सपना लेके हम लोग आए थे। हमारे आने के पहले 2022 के पहले हम सुना करते थे कि बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत के नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से आम लड़के लड़कियां उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था, अपनी अपनी जमीनें बेच बेच के लाखों रुपए इकट्ठे करके आईलेट्स के पेपर दे दे के, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उन लोगों को देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था। अब आपको देश छोड़ के, इसलिए देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिल रहे, हमारी जिम्मेदारी है। आपने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, 117 में से 92 सीट दे के हमें जिताया, तो मैं जाहिर तौर पर मानता हूँ कि आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, पंजाब के लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। हम पूरी कोशिश 24 घंटे काम कर रही है हमारी सरकार उन उम्मीदों को पूरा करने की, और धीरे 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 आप देख भी रहे हो कि किस तरह से चेंज आ रहा है। 48,000 नौकरियां अभी तक दी और एक भी नौकरी बिना सिफारिश और उसके बिना दी गई है। तो पंजाब में जितने भी गांव हैं,
जितने भी पिंड है, मैं नहीं समझता कोई पिंड ऐसा बचा होगा जिसमें एक लड़का या एक लड़की को नौकरी ना मिली हो, और वो लड़का और वो लड़की उस पिंड के अंदर हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब के अंदर अब नौकरियां मेरिट के आधार पर मिल रही हैं। और इस बात को आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने गांव में, आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने मोहल्ले में, आप भी चर्चा कीजिएगा, अपने पड़ोसियों को बताइएगा, अपने पिंड में सबको बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताइएगा, परिवार वालों को बताइएगा कि अब पंजाब बदल रहा है। अगर कोई अच्छी चीज होती है समाज के अंदर तो उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए, अगर कोई गलत काम होता है तो हम सारे बता देते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है, जब हमने सरकार संभाली थी पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था, चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, और हम अकेले नहीं कर सकते थे, हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी, और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, 2.5 साल के अंदर हमने पंजाब में कानून व्यवस्था को आज इस स्थिति पे ले आए हैं कि पंजाब पूरे देश के अंदर नंबर 2 है कानून इसके कानून व्यवस्था के अंदर। पहले इतनी फिरौतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून व्यवस्था, चोरी, डकैती, लूटपाट, इतनी सारी घटना। मैं ये नहीं कहता कह रहा सब कुछ राम राज्य आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हवा का रुख बदला है। पहले जो डिटीरियोरेट होता जा रहा था, सारी सब कुछ नीचे चलता जा रहा था, सब कुछ नीचे, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी पंजाब के लोगों को, सब कुछ नीचे जा रहा था, अब हवा का रुख बदला है, अब चीजें सुधरने लगी हैं। और जब हवा का रुख बदलता है, चीजें सुधरने लगती हैं, तो धीरे 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 बहुत अच्छी व्यवस्था भी आएगी। दिल्ली में जब हमने सरकार संभाली थी तो दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, इन 5-7 क्षेत्रों में इतना शानदार काम किया था कि उसकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजने लगी, और वही आवाज पंजाब के अंदर आई और पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। पंजाब में हम कानून व्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा करेंगे जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी कि ऐसी कानून व्यवस्था भी हो सकती है। किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस होने का एहसास देना, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट की। ये अगर हम ना दे पाए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, दिल्ली एक हाफ स्टेट है, लेकिन पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास है, तो हमें फख्र होगा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ हम पंजाब के अंदर एक ऐसा कानून व्यवस्था का मॉडल लेके आए जो कि जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो। जैसा भी डीजीपी साहब ने बताया, हम पंजाब के लोगों को सुरक्षा देने के लिए और पंजाब के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। जैसा उन्होंने बताया, मोबिलिटी के क्षेत्र में बेस्ट गाड़ियां आज पंजाब पुलिस को दी जा रही है, उनको मैन पावर के क्षेत्र में 8705 लोगों को तो रिक्रूट कर लिया गया 2-2.5 साल में, अभी 10,000 नई पोस्ट्स क्रिएट की जा रही हैं पंजाब पुलिस के अंदर, ताकि पंजाब पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर सके। बेस्ट टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस को मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि आज जब क्राइम को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके तो। सबसे बड़ी सर्टिफिकेट इस बात का कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था सुधर रही है, वो इस बात से पता चलता है कि इंडस्ट्री 2022 के पहले पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के बाकी राज्यों में जा रही थी, हमारी सरकार बनने के बाद से पंजाब बाकी देश के अंदर से इंडस्ट्री उठ उठ के पंजाब के अंदर आ रही है।
पिछले 2-2.5 साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। एमओयू साइन नहीं हुए हैं, केवल शुरू हो गया, पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है और 3 लाख से ज्यादा नौकरियां इन इंडस्ट्रीज के जरिए पंजाब के लोगों को दी जाएंगी। तो सबसे पहली समस्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की होती थी और दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज है रोजगार पैदा करने का। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के घर बैठे हैं उनको रोजगार मुहैया कराएं, हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराएं। तो एक तरफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3 लाख से ज्यादा नौकरियां तैयार हो रही हैं, 48,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा सरकार बहुत सारे और नए नए काम कर रही है, 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बन चुके, इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ढेर सारी भर्तियां हुई हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया गया है उसके अंदर ढेर सारी भर्तियां हो रही हैं, नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं उसके अंदर ढेर सारी भर्तियां हो रही हैं। तो जितने नए काम पंजाब सरकार कर रही है उसमें भी और बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। 2.5 साल कम होते हैं, इन्होंने 75 साल लिए थे पंजाब को बर्बाद करने के। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2.5 साल जो इस टर्म के हमें बचे हैं हम ऐसा काम करेंगे कि पंजाब क्या पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे कि 75 साल के खराब काम को किस तरह से उन्होंने 5 साल के अंदर काफी अच्छा कर दिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।